इस वीडियो में मैं आपको सोनी S40R होम थिएटर साउंड बार सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। ये साउंड बार सबवूफर और रियर स्पीकर्स के साथ में आता है, जो कि आपको एक ट्रू सिनेमैटिक सराउंड साउंड एक्सपीरियंस देता है आपके घर पर। 5.1 चैनल रियल सराउंड साउंड, साथ में 600 वॉट टोटल आउटपुट। इसे सेटअप करना भी काफ़ी आसान है, और ख़ास करके जो रियर स्पीकर्स है ये वायरलेस एम्पलीफायर के साथ में आते हैं। देखते रहिए। तो ये है सोनी S40R होम थिएटर सिस्टम, 5.1 चैनल 600 वॉट आउटपुट के साथ में आता है। चलिए मैं इसका सेटअप कर लेता हूँ। बॉक्स पर इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। प्रोडक्ट को इस प्रकार से पैक किया हुआ है। तो बॉक्स के अंदर आपको ये साउंड बार मिलने वाला है, काफ़ी स्लीक है। 5.1 चैनल रियल साउंड टोटल 600 वॉट आउटपुट के साथ में आता है। और ये है सब वूफर, दो सराउंड स्पीकर्स, और बीच में आप जो देख रहे हैं ये है वायरलेस एम्पलीफायर। इनके अलावा कुछ बुकलेट्स, पावर कॉर्ड्स, HDMI केबल, रिमोट के लिए बैटरीज, और ये देखिए ये है रिमोट। इस होम थिएटर सिस्टम को किस प्रकार से सेटअप करना है उसके बारे में जानकारी आपको क्विक सेटअप गाइड में मिल जाएगी। ये सब वूफर के ऊपर टच सेंसिटिव बटन्स दिया हुआ है, और यहाँ पर USB पोर्ट दिया हुआ है। अगर आपके पास कोई पेन ड्राइव है जिसमें कंटेंट है तो उसे आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो मेन सेटअप है वो यहीं से शुरू होने वाला है। देख सकते हैं कि तीन ऑप्शन दिया हुआ है, एनालॉग इन, HDMI आउट और TV इन ऑप्टिकल। वैसे बॉक्स में HDMI केबल दिया हुआ है, तो मैं ये जो HDMI ऑप्शन है इसका उपयोग करने वाला हूँ। तो जो केबल दिया हुआ है उसे आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है, और TV का जो HDMI आर्क पोर्ट है उसके साथ में आपको कनेक्ट करना है, और जो फ्रंट स्पीकर्स हैं आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। पावर कॉर्ड आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। ये देखिए HDMI केबल को मैंने कनेक्ट कर दिया है, और जो साउंड बार है उससे ये जो स्पेशल केबल निकल रहा है उसे आपको अकॉर्डिंगली जो कलर दिया हुआ है यहाँ पर अटैच करना है। वाइट, ग्रीन, ये है रेड। मैंने TV के साथ में सबवूफर और साउंड बार को फ़िलहाल कनेक्ट किया हुआ है, और इसका मैंने टेस्टिंग किया है, साउंड क्वालिटी ऑसम है। फिलहाल अभी भी जो सराउंड स्पीकर्स है उसे कनेक्ट करना है, लेकिन ये दो यूनिट्स लगाने के बाद भी जो साउंड है एकदम इम्प्रेसिव है। मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, फिलहाल जो सेटअप है वो मैं कर लेता हूँ। अब ये देखिए ये है वायरलेस एम्पलीफायर, जो कि जो सब वूफर है उसके साथ में वायरलेसली कनेक्ट करता है। और ये जो यूनिट है इसे आप मान लीजिए अगर आपने हॉल में इस साउंड सिस्टम का सेटअप किया हुआ है, तो जो दूसरा एंड है वहाँ पर आप ये वायरलेस एम्पलीफायर को अटैच कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो इसे वॉल माउंट कर सकते हैं, इनफैक्ट जो साउंड बार है उसे भी आप वॉल माउंट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए नीचे लिंक का ऑप्शन दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो सब वूफर है उसके साथ में लिंक करने वाला है, कनेक्ट करने वाला है वायरलेसली। ऑन ऑफ़ के लिए बटन दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसे ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। वैसे ये जो सिस्टम है अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो आप इसे ऑफ़ कर सकते हैं। पावर के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, और ये देखिए जो लेफ़्ट और राइट सराउंड स्पीकर्स है उन्हें आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है, जैसे कि मैंने आपको जो साउंड बार है कनेक्ट करके बताया उसी प्रकार से यहाँ पर आपको कनेक्शन करना है। तो ये देखिए ये है सराउंड स्पीकर, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है SURL सराउंड L। और ये देखिए ये जो कनेक्टर है इसे आपको जो वायरलेस एम्पलीफायर है उसके पीछे कनेक्ट करना है। तो ये जो दो स्पीकर्स हैं एक को तो यहाँ पर कनेक्ट करना है, और जो दूसरा स्पीकर है उसे यहाँ पर कनेक्ट करना है, और यहाँ पर पावर देना है। अब ये जो यूनिट है इसे आप रूम के दूसरे कोने पर रख सकते हैं, और बेसिकली वायरिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो दो स्पीकर्स है ये वायर्ड स्पीकर्स हैं, और काफ़ी लंबा वायर दिया हुआ है। अगर आपको इस यूनिट पर ग्रीन लाइट दिखता है मतलब कि ये सब वूफर के साथ में कनेक्ट हो गया है। तो इसका सेटअप मैंने कर दिया है, और चलिए अब मैं आपको इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो सुनाता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग मेरा माइक्रोफोन कर रहा है और आप अपने डिवाइस पर सुन रहे हैं, तो जो एक्चुअल क्वालिटी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ यहाँ पर वो आप नहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे। उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपको यहाँ पर मेरे साथ होना होगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि जो साउंड क्वालिटी है उसमें कितना डिफरेंस है, खास करके जो TV की साउंड क्वालिटी है और जो ये होम थिएटर है इसकी साउंड क्वालिटी में कितना डिफरेंस है। वैसे जो होम थिएटर है इसे मैंने सोनी TV के साथ में कनेक्ट किया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसे किसी भी अन्य TV के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं जो कनेक्टिविटी ऑप्शंस दिया हुआ है उनके ज़रिए। ये जो पावर बटन है इसे प्रेस करते ही ये सिस्टम ऑटोमेटिकली सोनी TV के साथ में कनेक्ट हो जाता है, और यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर दिख जाएगा कि
जब ये टीवी के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, ये देखिए टीवी, अब ये टीवी के साथ में कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर टेस्टिंग के लिए मैं ये एक स्पेशल सीक्वेंस प्ले करने वाला हूँ। पहले मैं टीवी पर प्ले करने वाला हूँ, आप इसे सुन सकते हैं। तो ये लीजिए, मैं टीवी पर प्ले कर रहा हूँ। वैसे सोनी का जो टीवी है, इसका जो स्पीकर है, ये भी काफ़ी बढ़िया है। अब मैं ये जो साउंड बार है, इसे कनेक्ट करता हूँ। देखिए, मैं जैसे ही इसे ऑन करता हूँ, टीवी पर आपको एक नोटिफिकेशन दिख जाएगा नीचे की तरफ कि जो ऑडियो सिस्टम है ये कनेक्ट हो चुका है, ऑडियो सिस्टम एक्टिव। और अब मैं यही सेम सीक्वेंस को प्ले करने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए क्या होता है। अब मैंने जो साउंड एक्सपीरियंस किया है, आप वैसा तो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो साउंड आउटपुट था एकदम अमेजिंग था। इनफैक्ट मैं साउंड को फील कर पा रहा था। वो एक तरह का इफेक्ट आपको थिएटर में मिलता है, वैसा इफेक्ट मुझे यहाँ पर घर पर मिल रहा है। जो साउंड क्वालिटी है एकदम अमेजिंग है। मैं आपको एक और सीक्वेंस सुनाता हूँ। वाओ, मैं एक्चुअली ये जो साउंड है ये फील कर पा रहा हूँ। ये देखिए एक और सीक्वेंस है, ये होम थिएटर के जरिए आ रहा है साउंड। वैसे मैं टीवी का रिमोट से भी जो वॉल्यूम है इसे इंक्रीज कर सकता हूँ, डिक्रीज कर सकता हूँ, और साउंड बार के साथ में जो रिमोट मिला हुआ है उसका उपयोग करके भी मैं जो वॉल्यूम है उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। वाओ, तो दोस्तों ये 5.1 चैनल होम थिएटर सिस्टम जो है, इसका जो साउंड क्वालिटी है, ये आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखते रहिए।